हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम सादिक कुरैशी, इंग्लिश ग्रामर पार्ट वन में मैं आपका वेलकम करता हूं। और इस वीडियो में हम देखेंगे पर्संस के ताल्लुक से, जो कि इंग्लिश का बहुत ही बेसिक है। और हम इसलिए बेसिक वीडियो से इंग्लिश ग्रामर शुरू कर रहे हैं ताकि जब आपकी बुनियाद मजबूत होंगी तो इंशाल्लाह आगे का ग्रामर आप ईजीली समझ जाएंगे। और पर्संस तो इतने इंपॉर्टेंट है कि हम इसको सुनते रहते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, के हम फर्स्ट पर्सन के लिए आ इस्तेमाल करेंगे, सेकंड पर्सन के लिए यू इस्तेमाल करेंगे, थर्ड पर्सन के लिए हम ही शी इट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये ग्रामर के अंदर बहुत चलते रहता है, इसीलिए मैंने पहला वीडियो इसका बनाया हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए, पर्संस मीन्स होता है शख्स। फर्स्ट पर्सन उसको कहेंगे जो बात करने वाला है, सेकंड पर्सन जिससे बात की जा रही है, और थर्ड पर्सन जो बात नहीं कर रहा है या कोई साइड में खड़ा हुआ है या फिर उस जगह पर मौजूद नहीं है, तो हम उसको थर्ड पर्सन कहेंगे। तो चलिए इसको पिक्चर्स के ज़रिए समझने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक लेडी है जो बात कर रही है, तो ये फर्स्ट पर्सन है, ये जिससे बात कर रही है, ये गौर से बच्चा यहाँ पर सुन रहा है, तो ये सेकंड पर्सन है। तो ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है। बाय चांस अगर ये बच्चा ये मैडम से सवाल करने लग जाता है और फिर मैडम सुनती है, तो ये बच्चा फर्स्ट पर्सन हो जाएगा और मैडम सेकंड पर्सन हो जाएंगी। यानी इसका मतलब ये है कि जो भी बात करता है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन रहेगा और जिससे बात हो रही है वो सेकंड पर्सन रहेगा। ठीक है, यहाँ पर मैडम फर्स्ट पर्सन है, ये बात कर रही है, लेकिन यहाँ पर ऑडियंस है, बहुत लोग हैं, तो ये ऑडियंस जो है ये सेकंड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन। अब बाय चांस ऐसा हुआ कि इस ऑडियंस में से एक शख्स खड़ा हुआ और उसने जो है तो मैडम से सवाल किया, इस शख्स ने, तो जब ये सवाल पूछ रहा है इनसे, तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया, मैडम इसका सवाल सुन रही है, ये सेकंड पर्सन हो गई। अब ये जो दूसरे लोग बैठे हुए इस ऑडियंस में हैं, ये दोनों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये थर्ड पर्सन हो गए, यानी ये यहाँ पर मौजूद है लेकिन फिर भी थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन मौजूद भी हो सकता है और मौजूद नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑडियंस थर्ड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये सवाल करने के बाद खामोश रहेगा, फिर मैडम बोलना शुरू करेंगी, तो ये फर्स्ट पर्सन हो जाएंगी, ये सेकंड पर्सन हो जाएगा और ऑडियंस थर्ड पर्सन ही रहेंगी। और अगर ये बैठ जाता है और पूरी ऑडियंस से ये फिर बात करना शुरू करती है, तो ये फर्स्ट पर्सन हो जाएंगी, ये सारे के सारे सेकंड पर्सन हो जाएंगे। इस पिक्चर में इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये फर्स्ट पर्सन है, अगर ये इससे बात कर रहा है तो ये सेकंड पर्सन हो गया, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये दोनों की बातें सुन रहा है ये, तो ये थर्ड पर्सन है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। अब इसने बात किया इससे, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये पीछे खड़ा हुआ जो है वो थर्ड का थर्ड ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अब इसने इससे बात की, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये जो ये वाला है ये थर्ड हो गया। यानी हालतें वक्त के साथ जब बात करेगा तो चेंज होती रहती है, और फर्स्ट और सेकंड तो चेंज होती रहती है, क्योंकि जो भी बात करेगा वो फर्स्ट हो जाएगा, जो सुनेगा वो सेकंड हो जाएगा, या जो मौजूद है वहाँ पर लेकिन उससे बात नहीं हो रही तो वो थर्ड रहेगा, और कोई मौजूद नहीं है उसके ताल्लुक से बात हो रही है तो वो भी थर्ड रहेगा। तो अब इनके लिए हम कौन से वर्ड इंग्लिश में यूज़ करेंगे, तो फर्स्ट पर्सन के लिए अगर सिंगुलर है, एक है, तो हम आई, मी, माई, माइन, ये चार वर्ड हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर एक है, अकेला शख्स कह रहा है कि मैं, तो, और अगर एक से ज़्यादा है तो वी, अस, आवर, आवर्स, ये सेकंड पर्सन के लिए हम
सॉरी फर्स्ट पर्सन के लिए प्लूरल है, ये सिंगुलर है, प्लूरल है। सिंगुलर यानी होता वाहिद, और प्लूरल जो है तो हम जमा के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए हम प्लूरल इस्तेमाल करते हैं। सेकंड पर्सन के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होंगे इंग्लिश में वो है यू, यूअर्स, सिंगुलर के लिए, और प्लूरल के लिए भी यू और यूअर्स। हाँ, थर्ड पर्सन के लिए कौन से वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे, तो इसके लिए है सिंगुलर ही, शी, इट, हिम, हर, हिज, हर्स, इट्स। तो ही आपको पता है कि ये लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, शी लड़की के लिए, हिम लड़के के लिए, और हर लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। प्लूरल अगर है थर्ड पर्सन तो उसके लिए हम दे इस्तेमाल करेंगे और देयर इस्तेमाल करेंगे। तो ये प्लूरल के लिए है, ये सिंगुलर के लिए है। तो अगर आपको ये पता होता है तो आप इंग्लिश स्पीकिंग जब करते हैं, कन्वर्सेशन जब करते हैं, तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ सेंटेंस कहते हैं तो पर्संस कितना इंपॉर्टेंट रखता है इस सेंटेंस से आपको समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एक शख्स कह रहा है कि आई हैव पेन, मेरे पास पेन है, उसी ने कहा दूसरे को कि यू हैव पेन, तुम्हारे पास पेन है। अब इसको ही जो है, तो अब ये शख्स कह रहा है कि इसके पास पेन है, यानी थर्ड पर्सन के पास पेन है, फर्स्ट पर्सन कह रहा है, तो फर्स्ट पर्सन कहेगा ही हैज पेन। अब यहाँ पर देखिए ही है तो हैज हो गया, सिर्फ ये पर्संस की वजह से बदला है। तो ही हैज अ पेन, इनकार्य जुमले अगर है तो शी डजंट हैव पेन, ही डजंट हैव पेन। तो ये सेंटेंस भी बोलते वक्त, इंग्लिश बोलते वक्त भी पर्संस काफ़ी यूज़ होते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा ये वीडियो, और आगे मैं उर्दू में चार्ट है, आप इसको गौर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं मुझे, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आगे और भी अच्छे वीडियोस आपको इस पर मिलते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू अगेन।